नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का एस्ट्रो तक चैनल में। मैं हूँ प्रीतिका मजुमदार। आज मैं बात करूँगी नौकरी पाने की 10 अचूक टोटके, एक एक करके मैं एक एक करके कहने वाली हूँ। आप लोग झटपट नोट कर लीजिए, बहुत ही अचूक टोटके हैं ये। टोटके आप करके देखिएगा, आपको ज़रूर नौकरी की प्राप्ति होगी ही होगी। सबसे पहला टोटका जो है, शनिवार से आप ये टोटका कर सकते हैं। और आप देखिए, ये जो है शनि देव की आराधना करने आप अगर शुरू करेंगे, आपके प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर जाकर शनि देव को सरसों के तेल का काले तिल अर्पित करके आपको अगर दिया जलाए शनि देव के सामने और ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्रों का आप अगर जता संभव जप करेंगे, आप देखेंगे सात तरह की अनाज अपने ऊपर से आप अगर अपने ऊपर से उसार कर आप बाहर जो है ये सात बार जो है थोड़ा थोड़ा करके सुबह सुबह पक्षियों को और चिड़ियों को आप अगर दे देंगे खाने के लिए, इससे भी आपको ग्रह दोष समाप्त तो होता है। और साथ ही अपने पूजा स्थान पर उड़ते हुए हनुमान जी की आप अगर फोटो रखेंगे, प्रतिमा रखेंगे या फिर आप पेंटिंग रखेंगे, ये भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाले हैं। आपके नौकरी का द्वार जो है वो बहुत जल्दी शीघ्र ही खुलने वाले हैं। साथ ही आपको एक और उपाय मैं बताऊंगी, पीपल के पेड़ में जल अगर मीठा जल के साथ थोड़ा दूध और थोड़ा सा मीठा शक्कर या फिर गुड़ आप मिक्स करके आप अगर पीपल के वृक्ष में आप अगर चढ़ाएंगे शाम के समय सूर्य अस्त के बाद आप अगर चढ़ाएंगे, इससे जो है आप देखेंगे पीपल में सभी देवता की बास माना जाता है, जो इससे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की बास माना जाते हैं। इसलिए रोजाना पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और शनिवार के दिन जो है उस दिन तो ज़रूर पीपल के वृक्ष में मीठा दूध और पानी गंगा जल के साथ मिक्स करके आपको अर्पित करना चाहिए पीपल में। और साथ ही पीपल के नीचे आपको तेल का दीपक आपको जलाना चाहिए, अपने चित्र और देख के जो है पीपल दीपक जलाने के बाद आप जो है चित्र को याद कर ले, आप जो पीपल के पेड़ के सामने दिया जलते हुए उस चित्रों को अपने इमेजिनेशन इमेजिन में आपको इमेज वो इमेज जो है अपने दिमाग में बैठा के रखे, इससे भी आपको फ़ायदा होने वाले है। साथ ही आप एक काम और कर सकते हैं, किसी भी दिन पानी वाले कुएं में आप जो थोड़ा दूध अगर आप डाल देंगे, थोड़ा दूध अर्पित कर देंगे, पानी जिस कुएं में पानी है उस पानी में दूध थोड़ा सा कच्चा दूध गाय का डाल देंगे, इससे भी आपको नौकरी पाने की जो है रास्ता खुल जाती है। साथ ही ये एक कारगर टोटका भी है, साथ ही प्रत्येक सोमवार एक और कारगर टोटका आपको बताने वाली हूँ। प्रत्येक सोमवार के दिन जो है शिव मंदिर जाए और शिव लिंग के ऊपर जो है दूध और पानी को चढ़ाए, साथ में थोड़ा चावल वो मीठा भी आपको आप अगर अर्पित करेंगे, इससे भी आपको नौकरी पाने की द्वार जो आपको जल्दी खुल जाएगा, ग्रह दोष आपका समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे। इस प्रकार करने वाले जो इस प्रकार उपाय आप लोग अगर जिस तरह से मैं कह रही हूँ इस तरह से अगर उपाय करेंगे आपको बहुत जल्द नौकरी प्राप्त होगा। और भोलेनाथ के सामने आपको शिव जी के ऊपर अर्पित करें दूध और चावल, उसके बाद शिव जी के सामने हाथ जोड़कर अरदास करें कि आपको नौकरी की प्राप्त हो। और जो भी अड़चने आ रही है नौकरी प्राप्त करने के लिए वो अड़चने बाबा भोलेनाथ आपका दूर कर देंगे। और भोलेनाथ को हाथ जोड़ के प्रार्थना कराइए बहुत ज़्यादा, भोलेनाथ जल्दी ही आपको नौकरी का प्राप्त ज़रूर आपको होगा। प्रत्येक माह के पहले सोमवार को एक सफ़ेद कपड़े में चावल बांधकर माँ काली के मंदिर में जाकर उनके चरणों में आप चरण में रख दीजिए। और इस प्रयोग से आपको हर सोमवार को आपको ये प्रयोग करना है, इस प्रयोग को करने से नौकरी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो याद रखिएगा ये प्रत्येक सोमवार को आपको करना है, सफ़ेद कपड़े में चावल रख के आना है माँ काली के सामने और उनसे धूप धुना दिया जला के माँ काली के सामने अपने मन जो है आप अगर मंत्रों उच्चारण नहीं कर सकते माँ की तो कोई बात नहीं, आपने सीधी सीधी भाषा में आप माँ से बात कीजिए और बोलिए कि मुझे नौकरी जल्दी ही प्राप्त कराइए,
ऐसे बोल के आप आ जाइए हर सोमवार को, ये काम करने से ज़रूर आपको नौकरी प्राप्ति होगी। नौकरी के लिए इंटरव्यू के समय जाते हुए एक नींबू में चार लौंग आपको गाड़ देना चाहिए और उसको जो है हनुमान जी के मंदिर में आपको दिया जला के वो सामने दिया के सामने उस नींबू को रखना चाहिए। साथ ही आपको इस मंत्रों का जप करना चाहिए। हनुमान जी के सामने आपको दिया रखने के बाद आपको ओम हनुमते नमः इस मंत्रों को 108 बार कम से कम जप करना चाहिए और उस समय 108 बार जप करने के बाद नींबू को आपने बैग में रख दीजिए एक कपड़े में बांध के और वो आप इंटरव्यू के समय लेके जाइए। उसके इंटरव्यू से जब आप आ जाएंगे घर, आने से घर आने से पहले किसी चौराहे में चारों हिस्से चार भाग में उस नींबू को काट के चारों हिस्से में आप फेंक दीजिए। इससे भी आप देखेंगे आपके ऊपर अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है नौकरी पाने की, कोई भी आपके आपके रास्ता को परेशान, आपकी नौकरी पाने की नौकरी नहीं हो रही है, आपको आपको आपके रास्ते में कुछ कांटा आ रही है, कहीं अड़चन आ रही है, और सारे अड़चने समाप्त हो जाएंगे। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर है और ये बहुत ही ज़्यादा परीक्षित टोटके हैं और ये टोटके करने से नौकरी में आने वाली सभी अड़चने आपका दूर होगा। और 41 दिनों तक हनुमान जी के मंदिर में जाके आपको दीपक जलाना चाहिए और आपको जो किसी दिन किसी बार मंगलवार के दिन से ये उपाय शुरू करनी चाहिए और 41 डेज मतलब 41 दिन तक हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए और दीपक जलाना चाहिए, केले और बूंदी का भोग लगाना चाहिए, थोड़ा सा भोग चढ़ाइए और आप देखेंगे आपको जो ज़रूर आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाएगा। और बस इतना सा आपको करना है, अरदास करना है, ओम हनुमंते नमः इस मंत्रों का जप आपको हनुमान जी के सामने करना है 41 दिन। देखिएगा आपको ज़रूर नौकरी मिल जाएगा और साथ ही आपको यदि संभव हो सके तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लेकर अपने माथे पे आप अगर तिलक लगा देंगे आप देखेंगे इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप नौकरी में जाने से पहले हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी के चरणों के सिंदूर अपने माथे पे आप अगर लगा के इंटरव्यू में जाएंगे, थोड़ा सा लगा के चले जाइए, इससे भी आपको नौकरी पाने में आसान होगा। और इसके अलावा जो ये सारे जो उपाय जो है आप लोगों को अभी बोला गया है, सारे सिद्ध उपाय है, अचूक उपाय है, ये उपाय बहुत ज़्यादा कारगर है। आप ये इनमें से कोई भी उपाय करके देखिएगा, आपको भगवान की अगर इच्छा रहेगी तो आपको ज़रूर नौकरी प्राप्त होगी। चलिए आज के लिए इतना ही। आज तो आपने जान लिया कैसे नौकरी पाने के लिए क्या क्या उपाय, क्या क्या टोटके आपको करना पड़ेगा। फिर से आप लोगों के साथ ऐसे ही टोटके, काला जादू की टोटके और पूजा पाठ लेके हाजिर हो जाऊंगी। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो तक चैनल को। नमस्कार।